एनसीपी नेता अजित पवार 8 विधायकों के साथ राज्य सरकार में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को कहा, एनसीपी नेता अजित पवार राज्य के विकास का समर्थन करने और मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, इसलिए वे महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए हैं। शिंदे ने कहा कि हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उधर अजित पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास ज्यादातर एनसीपी विधायकों का समर्थन है, इसलिए मैं डिप्टी सीएम बना हूं। हम जो भी कर रहे हैं वो पार्टी के हित में है, हम पार्टी को मजबूत करेंगे। रविवार को एनसीपी नेता अजित पवार समेत 9 विधायकों ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी। इस घटनाक्रम के दूसरे दिन सोमवार को एनसीपी चीफ शरद पवार ने सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से बाहर कर दिया। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने दोनों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए 3 जुलाई को ही शरद पवार को चिट्ठी लिखी थी। इस ऐलान के तुरंत बाद वहीं अजित पवार ने भी एनसीपी की नई टीम बना दी। उन्होंने सांसद सुनील तटकरे को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अनिल पाटी को व्हीप की जिम्मेदारी दी है। इससे पहले शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने अजित पवार के साथ गए सभी विधायकों को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव पास किया। अजित पवार के शपथ समारोह में भाग लेने गए 3 नेताओं को भी पार्टी से निकाल दिया गया। इनमें पार्टी के क्षेत्रीय महासचिव शिवाजी राव गर्जे, अकोला शहर जिला अध्यक्ष विजय देशमुख और मुंबई डिवीजन के कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र राणे शामिल है। ऐसे ही बने रहिए राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।